मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे खूंखार शिकारी जानवरों की, दो ऐसे दैत्यों की जो कि मॉडर्न डे साइबेरियन टाइगर को भी बोना बना देते हैं। हम बात कर रहे हैं नगेंडोंग टाइगर की और सेबर टूथ टाइगर की। ये दोनों ही काफी शक्तिशाली जानवर है, लेकिन क्या हो जब हम इन दोनों की लड़ाई एक दूसरे से ही करवा दें। आज के इस वीडियो में हम नगेंडोंग टाइगर और सेबर टूथ टाइगर के बारे में कुछ जानकारियाँ लेने वाले हैं, और आखिर में यह जानेंगे कि इन दोनों में से सबसे ताकतवर जानवर आखिर कौन सा है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि कौन से मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये दोनों ही जानवर कहाँ और कौन से युग में पाए जाते थे, और फिर हम बात करेंगे कि इन दोनों जानवरों के शरीर का आकार क्या था, और फिर हम बात करेंगे कि आखिर इन दोनों जानवरों के शिकार और कॉम्पिटिटर्स कौन कौन थे, और फिर हम जानेंगे कि आखिर ये दोनों जानवर विलुप्त कैसे हो गए, और सबसे आखिर में हम जानेंगे कि नगेंडोंग टाइगर और सेबर टूथ टाइगर में से कौन सा जानवर सबसे ताकतवर और शक्तिशाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये दोनों जानवर कौन से युग और कहां पाए जाते थे। नगेंडोंग टाइगर इंडोनेशिया के सेंट्रल जावा प्रोविंस से सोलो रीजन में पाए जाते थे। सोलो रीजन में यह टाइगर जनरली सोलो रिवर की घाटी में घूमता रहता था, जहाँ की अन्य हिस्सों में यह अपने शिकार का पीछा करते करते धीरे धीरे भाग गया। नगेंडोंग टाइगर लगभग 190,000 लेट प्लेस्टोसेन के युग में इस धरती पर विचरण करता था। प्लेस्टोसेन युग धरती का वह युग था जब होमो सेपियंस धरती पर धीरे धीरे अपना वर्चस्व कायम करने लगे थे। प्लेस्टोसेन युग के अंत तक ह्यूमंस पृथ्वी के हर कोने में पाए जाने लगे थे। और बात करें स्मिलोडॉन की, तो स्मिलोडॉन आज से करीब 2.5 मिलियन साल पहले इस धरती पर आए थे और करीब 10,000 साल पहले तक इस धरती पर मौजूद थे। ये वैसे तो बाघ जैसे ही दिखता था और बाघ के परिवार का ही था। ये जानवर प्रीहिस्टोरिक काल में मौजूद एक खूंखार जानवर था, और उसको खूंखार और हिंसक इनके विशाल और नुकीले दांत बनाते थे जो आसानी से किसी को भी मौत के घाट उतार देते थे। ये जानवर समूह में अपना शिकार किया करते थे। अब हम बात करते हैं इन दोनों जानवरों के आकार की, तो नगेंडोंग टाइगर का एवरेज वेट 300 से 350 किलोग्राम के बीच होता था। सबसे लार्जेस्ट नगेंडोंग टाइगर का वेट 480 किलोग्राम तक का था। नगेंडोंग टाइगर का लेंथ 4.1 मीटर यानी कि इनके पूंछ को मिलाकर 13.5 फीट था। वही हम बात करें इनके शोल्डर हाइट की, तो ये करीब 1.2 मीटर यानी कि 4 फीट होता था। ये जानवर आज के साइबेरियन टाइगर और बंगाल टाइगर से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और बड़े हुआ करते थे, और स्मेलोडॉन किसी भी बिल्लियों की प्रजाति की तुलना में ज्यादा घातक और खतरनाक थे। इनके शरीर की बनावट अब तक के सभी बिल्लियों की प्रजाति से बहुत मजबूत थी। स्मेलोडॉन साधारण लंबाई वाले थे और इनके जबड़ों के बाहर दोनों तरफ एक एक दांत थे जो थोड़े से मुड़े थे और करीब 1 फीट तक लंबे थे। स्मिलोडॉन की 3 प्रजातियां थी, स्मिलोडॉन ग्रेशिलेस, स्मिलोडॉन पॉपुलेटर और स्मिलोडॉन फेटेलेस। इनमें से सबसे ताकतवर स्मिलोडॉन पॉपुलेटर थे, जिनका वजन करीब 400 किलोग्राम तक का था और इनकी ऊंचाई करीब 5 से 6 फीट तक की थी। वही इनके दांत की लंबाई करीब 12 इंच यानी कि 1 फीट थी, जो इसको एक भयानक राक्षस बनाता था। अब हम बात करते हैं कि आखिर इनके शिकार और इनके कॉम्पिटिटर्स कौन थे। मन में एक सवाल तो यह उठता है कि, और आपके भी मन में यह एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर नगेंडोंग टाइगर आखिर इतना बड़ा क्यों था। इसका एक ही संभावित उत्तर यह है कि इस टाइगर का शिकार और इसके प्रतिद्वंदी नगेंडोंग टाइगर मीडियम टू लार्ज साइज शिकार पर हमला करते थे। इनके शिकार में बोवीर, यंग एलिफंट, राइनो जैसे जानवर शामिल थे। इतने विशाल जानवरों को धाराशाही करने के लिए उन्हें काफी शक्ति की आवश्यकता होती थी, जिसके लिए इस टाइगर को इतना विशाल होना पड़ा। नगेंडोंग टाइगर के कॉम्पिटिटर के बारे में विशेषज्ञों के अलग अलग राय है। कुछ का कहना था कि इसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था, और वही कुछ का कहना था कि इसे जायंट हाइना से लड़ना पड़ता था।
चारों ओर से झुंड बनाकर अपने शिकार पर हमला किया करते थे और इनके एक फीट लंबे दांत किसी भी बड़े शिकार को कुछ ही पल में मौत के घाट उतार देते थे। और सेबर टूथ टाइगर ज्यादातर हाथियों का शिकार करने के लिए नहीं जाते थे क्योंकि हिमकाल के दौरान मौजूद मैमोथ हाथी बहुत ही विशाल और भयानक थे और उनके दांत भी स्मेलोडॉन की तुलना में कई गुना लंबे थे। मैमोथ को मारने के लिए इनको बड़े झुंड में आना पड़ता था, फिर भी उनकी यह लड़ाई बहुत देर तक चलती थी। और अब हम यह जानते हैं कि आखिर ये दोनों जानवर विलुप्त कैसे हो गए। तो जैसा कि हमने बताया कि लेट पैलियोस्टोनिक के एज के अंत में ह्यूमंस काफी डेवलप होने लगे, जिसके कारण धीरे धीरे नगेंडोंग टाइगर की शिकार पर असर पड़ने लगा। और सबसे बड़ी बात, पैलियोस्टोनिक के एज के अंत की तरफ काफी बड़ा क्लाइमेट चेंज हुआ, जिससे धरती ठंडी से गर्म वेदर अपनाने लगी। नगेंडोंग टाइगर ऐसे बदलते क्लाइमेट को अडेप्ट नहीं कर पाए और धीरे धीरे विलुप्त हो गए। और दूसरी तरफ स्मिलोडॉन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आखिर में बात करते हैं कि आखिर नगेंडोंग टाइगर और स्मिलोडॉन की लड़ाई में कौन सा जानवर सबसे शक्तिशाली साबित होगा। लेकिन जो कि ये जानवर विलुप्त हो गए हैं, तो हम यह पता नहीं लगा सकते कि आखिर इन दोनों में से कौन सा जानवर सबसे ताकतवर साबित होगा। लेकिन इनसे जुड़ी सभी जानकारियां जानने के बाद हम यह कह सकते हैं कि ये दोनों ही जानवर बराबरी पर खड़े होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपके हिसाब से इस जंग में जीत किसकी होगी, यह हमें कमेंट करके जरूर बता देना। हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करेंगे। खैर, इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करो। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।